नमस्कार, देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूं रूना आशीष और मेरे साथ है अमृता। अमृता की बेहतरीन अदाकारी, उनका बेहतरीन से भी बेहतर डांस, और जब ये सब मिलजुल कर आपके सामने 29 तारीख को आने वाला है तो नाम होगा चंद्रमुखी। चंद्रमुखी जी प्रणाम। जी प्रणाम, कैसी है आप? ऑल वेल। मतलब लोगों की लॉटरी लगने वाली है ना 29 को, क्योंकि आप दिखने वाले हो। अरे बाबा, बस वो पैसे खर्च करे और हमारी लॉटरी लग जाए, इतना ही है और कुछ नहीं। जब भी चंद्रमुखी का नाम याद आता है तो दो चंद्रमुखियां मुझे स्पेशली याद आती है। एक तो चंद्रमुखी माधुरी दीक्षित जी और चंद्रमुखी चौटाला जो कि टेलीविजन पर आती है। आपको दोनों में से कौन सी पसंद आई थी? देखिए, मैं एक मराठी मुलगी हूँ तो मुझे, और मतलब मेरे लिए माधुरी दीक्षित इज द अल्टीमेट गॉडेस एंड अल्टीमेट चंद्रमुखी, मुझे लगता है। तो जब ये स्क्रिप्ट आपके सामने आई तब कैसा रिएक्शन था आपका? ये एक्चुअली स्क्रिप्ट मेरे सामने नहीं आई थी, ये जो नॉवेल है ये मेरे सामने आई थी। मेरे जो डायरेक्टर है प्रसाद ओ, इन्होंने मुझे ये जो नॉवेल है इससे वाकिफ कराया था। सबसे पहली बात तो मैं सच्ची बात बताऊं तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ने की शौकीन हूँ नहीं, तो जब मुझे लगा कि अच्छा इस नॉवेल पे जो है वो अपने को फिल्म करनी है तो मतलब अभी ये नॉवेल पढ़नी पड़ेगी। बट द नॉवेल बाय विश्वास पाटिल वाज सो इंटरेस्टिंग, मैंने 1.5 दिन में वो नॉवेल खत्म की और मैंने 8 से 9 बार ही ये नॉवेल पढ़ी है। तो मैंने सोचा यार ये तो बहुत ही ड्रीमी कैरेक्टर है और इसमें जो है वो डांस और एक्टिंग का एक बहुत ही सुंदर मिलन है, तो ये तो मैं जरूर करना चाहूंगी। देन उस वक्त मैं और प्रसाद अकेले ही थे, फिर हम दोनों ने जाके प्रोड्यूसर ढूंढा। प्रोड्यूसर जो मेरे अक्षय बर्दापुरकर है, वो और मैं, हम लोगों ने जाके राइट्स लिए। फिर हम लोगों ने जो है वो म्यूजिक के लिए अजय अतुल को पूछा। तो ऐसा करके जो कोर टीम है इसको हमने इकट्ठा किया और उसके बाद जो है वो लॉकडाउन हो गया। तो भाई ये जो फिल्म की जो प्रोसेस थी ये 2 से 2.5 साल रही, लेकिन इसी बीच में हमारे जो राइटर है चिन्मय मांडलेकर, इनको काफी टाइम मिल गया स्क्रिप्ट पे काम करने के लिए। फिर अजय अतुल को टाइम मिल गया म्यूजिक पे काम करने के लिए। देन हमको टाइम मिल गया वर्कशॉप करने के लिए। जब मैंने फिल्म शुरू की थी, मैं आपको बताऊं तो मैं 50 किलो की थी। फिल्म में जो है मेरे डायरेक्टर ने कहा कि मुझे थोड़ा वजन चाहिए, मतलब जो मेरी प्रोटैगनिस्ट है वो इतनी पतली नहीं रह सकती। तो मैंने 8 किलो वजन बढ़ाया, जिसको बढ़ाने के लिए मुझे 8 से 9 महीने लग गए। तो काफी प्रोसेस रहा है इस फिल्म का। मुझे सब लोग पूछने लगे तो क्या गुड न्यूज है, क्या क्या है। तो मैंने कहा कौन सी गुड न्यूज भाई, यहाँ पे खा के एक रोल के लिए वजन बढ़ा के मैं पक चुकी हूँ, कौन सी गुड न्यूज दे सकती हूँ मैं आपको। बट दैट वाज द थिंग। आई मीन Certainly, I can understand. In fact, जब भी मैं ट्रेलर देखती हूँ या जब भी गाने देखती हूँ, एक तो बहुत सुंदर गाने हैं सुनने में भी, अजय अतुल है तो सर्टनली वो मैजिक और जादू तो रहेगा, दिखने में भी उतने ही सुंदर हैं। सो सच बताइए, अच्छा संगीत हो, अच्छा विजुअल हो, तो एक एक्ट्रेस को कितना मजा आता है? बहुत मजा आता है। ऐसा लगता है कि जो जो आप मेहनत कर रहे हो वो सही तरीके से ऑडियंसेस की और पहुंच रही है। See, at the end of the day, हम लोग ये सब क्यों करते हैं? It's for the audiences to enjoy our work, you know? और जब संजय मेमाने जैसे magician cinematographer है, या फिर अजय अतुल जी का म्यूजिक है, या फिर दीपाली बिचारे जैसी कोरियोग्राफर है, आई थिंक एवरीथिंग कम्स इन टूगेदर। फिर श्रेया घोषाल की आवाज है, आई मीन फॉर एनी एक्ट्रेस टू हैव अ श्रेया घोषाल प्लेबैक सिंगिंग इज अ ड्रीम। तो इट वॉज वो कहते हैं ना कि वन ब्रिक, सेकेंड ब्रिक, थर्ड ब्रिक, ऐसे कर करके हमारा जो महल है वो तैयार हो रहा था। एंड वी वर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज हमारे जो प्रोड्यूसर है अक्षय जी, उन्होंने भी बहुत मतलब पैंडेमिक होने के बावजूद, एक मराठी प्रोड्यूसर होने के बावजूद, उन्होंने जो है बड़े खुले दिल से जो है वो चीजें एक्सेप्ट की थी।
चीजें अवेलेबल करके दी थी एंड दैट वाज अ वेरी वेरी बिग थिंग एज फार एज अ प्रोड्यूसर वाज कंसर्न्ड. नाइस. और इनफैक्ट लावणी की बात करती हूँ तो मुझे एकदम माजले की 12 वो वाली लावणी भी याद आ जाती है. एक इट्स अ डिफरेंट स्टाइल पर चूंकि आप बहुत अच्छी डांसर हैं तो अब्सॉर्ब करने में परेशानियां नहीं आई होंगी, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं लावणी की जो आम डांसर्स में नहीं होती. इट्स मोर, इसमें मादकता थोड़ी ज्यादा नजर में आती जी, है, सेंसुअलिटी ज्यादा होती है. बट मैं आपको सच्ची बात बताऊं तो ये जो चंद्रमुखी का कैरेक्टर है ये अपने आप में ही सेंसुअल है. शी डिडंट हैव टू परफॉर्म सेंसुअली. इफ यू सी द अदर लावणी व्हिच इज कॉल्ड बाइग, उसमें जो है वो एक आध्यात्म है, उसमें जो है वो एक कृष्ण भक्त है, उसमें प्रेम है, उसमें समर्पण है. तो इसमें कहीं पर भी आप देखेंगे कि स्टेप्स हो या फिर एक्सप्रेशंस हो या फिर लिरिक्स हो, इसमें कहीं पर भी एक्स्ट्रा सेंसुअलिटी नहीं है. इसमें जो शब्द है उनको बहुत अच्छे से जस्टिस किया गया है एंड आई थिंक इट इज यू नो द कोरियोग्राफर्स क्रेडिट, बिकॉज ना कहते कहते भी लावणी थोड़ी सी उस तरह झुक जाती है. बट माय डायरेक्टर, माय कोरियोग्राफर, माय डीओपी, दे वर वेरी वेरी पेक्यूलियर एंड वेरी स्पेसिफिक कि हमको सेंशुअल नहीं दिखाना है. यू नो दे वांटेड कि उसकी प्योरिटी जो है, उस कैरेक्टर की प्योरिटी लोगों के सामने आए एंड दैट्स अबाउट इट. एंड आई थिंक दैट हैज वर्क्ड फॉर बोथ द लावणीज. वी हैव नॉट ट्राइड टू डू समथिंग सेंशुअल, समथिंग मादकता या फिर समथिंग एक्स्ट्रा हमने कुछ भी करने की कोशिश नहीं की है. वॉट एवर द सॉन्ग इज गिवन टू अस बाय द माएस्ट्रोस अजय एंड अतुल, आई थिंक वी हैव डन जस्टिस टू इट. दैट्स इट. लवली. अच्छा, चूंकि आप कला के क्षेत्र से जुड़ी हैं, कभी असली लावणी डांसर से मिलना हुआ है आपका? वो कैसी थी? बिल्कुल. मैंने अपने 10 साल के 12 साल के करियर में मैं बहुत लावणी डांसर से मिली हूँ एंड यू नो आई वांट टू टेल दिस दैट उनकी जो सिचुएशंस होती है, वो जिन जिन परिस्थिति से गुजरते हैं, यू नो वी हैव ट्राइड टू काइंड ऑफ ब्रिंग दैट इनटू चंद्रमुखी. उनकी जो लाइफ होती है वो बहुत ही ज्यादा हार्डशिप से भरी होती है और वो हार्डशिप्स हम लोगों ने एज एन आर्टिस्ट, एज अ सैल्यूट टू ऑल दोस आर्टिस्ट, हमने यहाँ पे वो इंकल्केट करने की कोशिश की है. लवली. सो व्हाट्स नेक्स्ट फ्रॉम यू? अभी हिंदी में क्या हो रहा है, टेलीविजन में क्या हो रहा है, मराठी में क्या हो रहा है? अभी फिलहाल तो चंद्रमुखी है. देर इज अ वेब सीरीज फॉर हॉट स्टार दैट आई एम डूइंग. आई एम शूटिंग फॉर इट आफ्टर आई गेट ओवर विद द प्रमोशंस ऑफ चंद्रमुखी. एंड देन है पाइपलाइन में काफी सारी चीजें. चलिए, लवली. इट वाज लवली टॉकिंग टू यू. और चलिए जल्दी जल्दी मिलते हैं, खूब सारा काम कीजिए, आपसे बात करने में बड़ा मजा आता है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. बाय.